देती हूँ कि ट्रैक्टर जो है वो तुमने कल करा। अब पहले तो वैसे ट्रैक्टर चलिए वो मैं कल दोबारा से उसकी स्टार्ट ले लूँगी। अब इसका हम समरी, असल में आप बस इस वक्त ये ध्यान में रखो कि इस वक्त हम करैक्टर की बात डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है स्टीफन डेडलस, ठीक है, जो इस नोवेल का हीरो है और माउथ पीस ऑफ जेम्स जॉइस है, ठीक है। उसने मतलब अपनी ही ज़ात के बारे में और अपनी रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में, रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने इस करैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब स्टीफन, अब जैसे हमने कल डिस्कस किया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक है, राइटर इसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आप समझो कि मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ, एक स्टोरी है, एक स्टीफन एक पर्सन है, ठीक है, एक बच्चा है, उसकी कहानी है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। अब आपको इसमें कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है, आपको लगेगा कि वाकई ये नॉवल जो है ना वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की ख़ास टेक्निक में लिखा गया है। अब नॉवल में होता ये है कि स्टीफन बैठा हुआ है जस्ट, अब उसने ये नहीं बताया कि उसकी एज कितनी है या किस एज में है, जवानी में है, बुढ़ापे में है, उसने बस ये कहा कि वो स्टीफन बैठा हुआ है और वो रिकॉल कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, रिकॉल कर रहा है। अब रिकॉल क्या कर रहा है, वो सबसे पहले तो अपने बचपन की यादों को रिकॉल करता है। वो कहता है कि बचपन में किस तरह से मुझे, जब मैं स्कूल में जाता था तो मुझे कैसे एक मेरा एक क्लास फेलो था, उसका नाम वेल था, उसने मुझे किस तरह से गंदे पानी में फेंक दिया था और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और मैं ऐसे फील करने लग पड़ा था कि जैसे अब मैं मर ही जाऊँगा, ठीक है, ये उसकी एक याद है। फिर वो यहाँ से कट ऑफ होता है तो कहता है कि मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं बोर्डिंग स्कूल जा रहा था और मैंने अपने माँ बाप को छोड़ रहा था और मैं घर से रवाना हो रहा था, तो मुझे वो वक्त भी याद है। फिर वो कहता है कि मुझे वो भी याद है कि एक दफ़ा हम एक डिनर पार्टी में बैठे हुए थे, डिनर हो रहा था और वो बड़े सब वहाँ पे सिर्फ एल्डर्स थे, घर के अफराद थे, तो मुझे फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया था कि मैं उस डिनर पार्टी में बैठ सकता हूँ, ठीक है, क्रिसमस की पार्टी थी उसमें मैं बैठ सकता हूँ। तो अब वहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल क्लैश के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ये चीज़ शो करती है कि उस दौर में जब जेम्स जॉइस ने नॉवल लिखा है तो उस दौर में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट की भी आपस में काफ़ी क्लैश मौजूद था। तो इस नॉवल में हमें वो भी हिंट मिलता है कि उनकी पॉलिटिकल जो आपस में क्लैश चल रहा होता है, अब उसका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है स्टीफन के माइंड के ऊपर। असल में राइटर ये भी दिखाना चाह रहा है कि बच्चे के जहन के ऊपर किस तरह से चीज़ें असरअंदाज होती हैं, ठीक है, और वो किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी चीज़ें वो एक्सपीरियंसेस में से गुजर रहा है, उसके ऊपर उसके असरात क्या पड़ रहे हैं और फिर किस तरह से वो बहुत ज़्यादा सप्रेस होने के बावजूद फिर उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आती है कि वो डिसीजन लेता है और फिर वो अपने आप को हारमोनाइज करने के लिए कोई स्टेप लेता है, ठीक है। अब ये मैं सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की बात कर रही हूँ, चैप्टर 1 में ये चीज़ें हो रही हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं। फिर वो कहता है कि मुझे ये भी याद है, अब चैप्टर 1 यहाँ पे क्लोज होता है, वो कहता है कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे ये मेरी सबक की हद थी कि मुझे एक दफ़ा पनिशमेंट मिली थी, मैंने मेरे ग्लासेस गुम हो गए थे, ठीक है, टूट गए थे किसी वजह से, तो मैं लिख नहीं पाता था, तो मैंने अपने एक टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि मैं लिख नहीं पाऊँगा तो एक हफ्ते के लिए मुझे रिलैक्समेंट दे दें कि मैं काम नहीं लिख सकता, तो उसने मुझे अलाउ कर दिया था। लेकिन फिर क्लास में एक दिन डीन आया, बड़ा जो था वो बड़ा क्रूल पर्सन था, तो उसने आके ना मुझे हाथ से उसने मेरे तका के डंडे बरसाना शुरू कर दिए, ठीक है, उसने मुझे बहुत मारा। तो फिर वो कहता है कि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुआ और मैंने कहा कि अब मुझे जो है ना वो बड़ा जो प्रिंसिपल है ना उसको शिकायत लगानी चाहिए इस टीचर की। लेकिन उसके फादर ने उसको सख्ती से मना किया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए ना बोर्डिंग स्कूल में, तुमने कभी किसी की शिकायत नहीं लगानी। लेकिन उस वक्त फिर वो अपने आप को हार्मोनाइज करने के लिए ये स्टेप लेता है और फिर वो जाके प्रिंसिपल को कहता है कि इस तरह से जो फादर डोलन है ना उन्होंने मुझे इस तरह से मारा है बुरी तरह, हालांकि मैंने उन्हें बताया भी था कि मेरे क्लासेस गुम हो गए थे। तो फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करता है ये डिसीजन लेने के बाद ना, हार्मोनाइज करने के बाद। अब चैप्टर 1 यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब ये मतलब चैप्टर 1, अब आपने देखा कि चीज़ें मिंगलिंग है, ठीक है, बहाव है बस उसकी सोचों का कि वो रिकॉल कर रहा है चीज़ों को, स्कूल का एक्सपीरियंस उसने फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब कर दिया। फिर चैप्टर 2 में वो एक्सप्लेन करता है कि वो उसके अंदर एक उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस उसके घरेलू वाले से बहुत ज़्यादा। अब जेम्स जॉइस भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था और स्टीफन डेडलस भी। अब रियलिटी में जो स्टीफन है हकीकत में भी जेम्स जॉइस का अपना जो पोता था ना उसका नाम स्टीफन था, ठीक है, तो उसने उसी को एज अ करेक्टर भी नॉवल के अंदर रखा है।
तो चैप्टर टू में दिखाया जाता है कि स्टीफन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुका है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और वो कहता है कि मैं इस डल एटमोसफेयर से कहीं जाना चाहता हूँ। तो वो एक दिन ब्रॉडल चला जाता है, ब्रॉडल कहते हैं इसको तवाइफें जहाँ पे होती है ना उनका जो होता है मकान वगैरह, वहाँ चला जाता है। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो वो कहता है कि मैंने जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने अपनी बॉडी और अपनी साउल को ना, अब आपने सारी चीज़ें माइंड में रखनी है कि ये एक ट्रैवल है, एक कॉमन पर्सन का ट्रैवल है और एक ऐसे पर्सन का ट्रैवल है जिसका जिसका ख्याल है कि मैं स्पिरिचुअल फ्रीडम गेन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मेरी रियलिटी मुझे सक कर रही है और मैं रियलिटी को छोड़ के, सप्रेशन को छोड़ के, इन तमाम चीज़ों को छोड़ के ना, डिप्रेशन को छोड़ के और सोशल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको छोड़ के, तो मैं एक स्पिरिचुअल फ्रीडम में आना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके दिखाई है कि ग्रोथ कैसे हो रही है उसकी, और उसी को राइटर ने, जेम्स जॉयस ने एक आर्टिस्ट का नाम दिया है कि वो किस तरह से उस स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है। तो हम चैप्टर टू की बात कर रहे थे, इसमें वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार होकर प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाता है और एक प्रोस्टिट्यूट के पास जब ये जाता है तो वो उसके सामने ये कहता है कि मैंने अपनी बॉडी और अपनी साउल को सरेंडर कर दिया, ठीक है, अपने आप को हार्मोनाइज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था अपनी घरेलू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, डिप्रेशन में था और उस एटमोसफेयर से वो बहुत ज़्यादा उकता गया था। तो अपने आप को वो सरेंडर कर लेता है और यानी ये सारी सिचुएशन दिखाती है। चैप्टर टू में ये भी दिखाया जाता है कि वो एक एक गर्ल है जो उसके, तीन तरह की लेडीज़ का इसमें जिक्र किया गया है, एक जो उसके ख्वाब में आती है, ठीक है, उससे भी वो तसव्वुर करता है कि ये आइडियल वुमेन है, और एक इसमें करेक्टर के तौर पे दिखाई गई हैं, एक है इलीन वेंसे, उसका जिक्र अरबी में भी था जो आपने बीए में पढ़ी थी ना शोर स्टोरी, उसमें भी था। तो इलीन वेंसे जो है वो इसकी बचपन की थी फ्रेंड थी, उससे ये मोहब्बत भी करता था और ये इसमें नॉवल में भी अपनी जो गवर्नेस होती है उसको कहता है कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर नाराज़ होती है क्योंकि इलीन जो होती है वो प्रोटेस्टेंट होती है, जबकि इनका जो ख़ानदान होता है वो कैथोलिक होता है। तो अब ये तमाम भी डिप्रेशन उसके माइंड में थे कि लव भी नहीं उसको मिल रहा, तो इस वजह से फिर वो वहाँ चला जाता है प्रोस्टिट्यूट के पास ना, अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो जब वो सरेंडर करता है तो यहाँ पर चैप्टर टू क्लोज हो जाता है कि उसने अपने आप को दोबारा से हार्मोनाइज किया है, एक डिसीजन लिया है। तो चैप्टर टू यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद चैप्टर थ्री जब स्टार्ट होता है, यानी कि इस तरह से ग्रेजुअली चीज़ें चल रही हैं कि पहले वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, फिर वो बहुत ज़्यादा सप्रेशन की वजह से अपने आप को हार्मोनाइज करने के लिए स्टेप उठाता जा रहा है, ठीक है। फिर चैप्टर थ्री जब ओपन होता है तो उसमें दिखाते हैं कि कि उसके अंदर एक गिल्ट, वो अपने अंदर एक पीस महसूस कर रहा होता है, अमन महसूस कर रहा होता है कि उसकी साउल को और उसकी बॉडी को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम जूं-जूं ग्रेजुअली टाइम गुजरता जाता है उसे फील होता है कि ना उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्योंकि रिलीजन आ गया ना बीच में, रिस्ट्रिक्शन आ गई, सोसाइटी आ गई, तो वो समझता है कि उसने बहुत बड़ा एक गुनाह किया है इस तरह से रिलेशन बना के। उसके अंदर एक गिल्ट आना शुरू हो जाता है। फिर वो उसकी मदर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि मेरा बेटा जो है ना वो उसका नाम है मैरी डेडलस, इसकी वालदा का, तो वो उसको बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि तुम्हें ना रिलीजियस सेरेमनीज में जाना चाहिए और इस तरह के तुम्हें ना चीज़ें अटेम्प्ट करनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को ना हमेशा रिजेक्ट ही करता है, वो कहता है मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो वो फिर अपने अंदर फील करता है कि मेरे अपने अंदर ना गिल्ट महसूस करता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और फिर वो ना एक सेंट के पास जाता है और उसकी ना वो डेली की डेली ना उसकी जिसे कहते हैं ना तकरीरें वो सुनना शुरू कर देता है, सेरेमनीज में जाना शुरू कर देता है। तो वो दिखाते हैं, पहले तो ये दिखाते हैं कि वो ना पहले लेक्चर देता है किसी हेल के ऊपर कि मतलब ये गुनाह करोगे तो बहुत आपको डेमनेशन होगी, एटर्नल डेमनेशन है, गॉड के नज़दीक एक सिंगल जो आपका सीन है ना वो भी काउंटेबल है, उसकी भी कोई माफ़ी नहीं है। तो फिर वो अपने अंदर ना एक थ्रिल महसूस करना शुरू कर देता है और वो महसूस करना शुरू कर देता है कि मैं तो बस मेरे लिए तो एटर्नल डेमनेशन ही लिख दी गई है। फिर उसके अंदर एक और फिर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया इन चीज़ों की वजह से। फिर उसने अपने आप को अब इस चीज़ को हार्मोनाइज करना है, इस चीज़ को हार्मोनाइज करने के लिए वो करता है, वो जाता है कि चर्च में जाता है और फिर अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करता है। और कुछ वो ये भी करता था कि वो अजीबोगरीब किस्म के ना शाइस्ता किस्म की राइटिंग में लेटर्स भी लिखता था, कुछ फोटोग्राफ्स भी
डर्टी किस्म की उसने अपनी रूम में लगाई हुई थी, तो उन तमाम चीज़ों को भी वो याद करता है और फिर रिकॉल करता है, फिर अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करता है, फिर हार्मोनाइज कर लेना उसने अपने आप को, फिर वो फील करता है कि हाँ मैं ना अब रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, मैंने अपने गुनाहों को जो है ना इतराफ कर लिया। अब चैप्टर 4 जो है वो पूरे नोवेल के हिसाब से और इसके करेक्टर के हिसाब से भी और आर्टिस्ट के हिसाब से भी, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4। उसके वाले से एक एपिफेनी का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी अब ये जो मैंने आपको हार्मोनाइज करना बताया ना, अब ये हार्मनी करने से पहले उसके जहन में एक पहले एक डिसीजन जो हम लेते हैं उसके जहन में एक सोच आई थी, ठीक है, उस सोच को राइटर ने इसमें एपिफेनी का नाम दिया, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक सवाल है उसके ऊपर, वो अलग बात है। अब चैप्टर 4 यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी ना कि उसने अपने आप को रिलीव करने के अपने गुनाहों को कन्फेस कर लिया। अब चैप्टर 4 जैसे ही स्टार्ट होता है, स्टीफन कहता है कि मैं समंदर के अंदर खड़ा हुआ हूँ, समंदर में मुझे दूर खड़े हुए एक लड़की दिखाई दे रही है, उस लड़की का नाम नहीं वो कहता है मैं जानता, लेकिन वो कहता है कि वो इतनी खूबसूरत है, अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसने उसकी उसके सर से लेकर उसके पाँव तक की तारीफ की हुई है, ठीक है, कि उसने स्कर्ट कैसी पहनी, ब्लू स्कर्ट आई थिंक वो यूज करता है, स्कर्ट कैसी पहनी हुई है, वो दिखने में कैसी है, ठीक है, सारी उसकी ब्यूटी को एक्सप्रेस करता है। अब वो कहता है जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा है और जैसे जैसे मैं पानी में चल रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने आप को पा लिया है, जैसे आप कहते नहीं हो कि अल्लाह को पहचानना है तो पहले अपने आप को पहचान के देखो, ठीक है, तो वो यही चीज़ महसूस करता है, लिटरेरी फॉर्म में हम उसको स्पिरिचुअल फ्रीडम का नाम दे रहे हैं, तो उसने वो कहता है कि मैंने यूँ महसूस किया कि जैसे मुझे खुद से आगाही हो गई है, मैंने खुद को जान लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्यूटी को ऑब्जर्व कर लिया है। अब उस ब्यूटी को ऑब्जर्व करने के पीछे उसकी पूरी की पूरी एक एस्थेटिक थ्योरी ठहरी हुई है, उसके ऊपर भी एक अलग से पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि वो ब्यूटी को कैसे एनालाइज करता है और क्या थ्योरी उसने दी थी। तो जब वो उसकी लड़की को देखता है तो वो एनालाइज करता है कि उसने अपनी ज़ात को पहचान लिया है, और फिर उस लड़की को देखने के बाद जैसे ही वो घर आता है या अपने आप को महसूस करता है तो वो इतना हल्का फुल्का महसूस करता है और वो फिर डिसीजन ले लेता है कि अब मैंने ना अपना घर छोड़ देना है, मैंने अपनी नेशनैलिटी भी छोड़ देनी है, मैंने ये जो आइलैंड है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ डुबलिन उसका नाम है, मैंने वो भी छोड़ देना है और मैंने ना अब कहीं और चले जाना है, वहाँ पे मैं यानी मैं अपनी एक स्पिरिचुअल फ्रीडम में आ चुका हूँ, ठीक है, और मेरे लिए ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। अब इसका एक दोस्त था क्रैनले उसका नाम था, उससे ये अपनी तमाम तर डिज़ायर्स को शेयर करता है, तो क्रैनले इसको ये मशवरा देता है कि तुम्हारे मतलब वालदैन या तुम्हारा जो तमाम का तमाम सिनेरियो है सराउंडिंग्स ये चीज़ें तो तुम्हें अलाउ नहीं करती, तो अगर तुम वो कहता है अगर तुम रिलीजन में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, अगर तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, उस पर बिलीव ही नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर तुम्हें जो है ना इज्जत नहीं देनी चाहिए रिलीजन को। तो यहाँ पे राइटर ने एक जिसे कहना चाहिए ह्यूमनिज्म की शायद बात की है। अब राइटर स्टीफन ये कहता है कि मैं रिलीजन को अगर मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं रिलीजन पे बिलीव नहीं कर रहा तो मैं रिलीजन को इज्जत दे रहा हूँ, अगर मैं उस पर बिलीव करूँगा दिल में मेरे नहीं है वो, तो फिर मैं हिपोक्रेट हो जाऊँगा, ठीक है, मैं तो हिपोक्रेसी में आ जाऊँगा। तो वो कहता है कि मैं अगर उसको बिलीव नहीं करता रिलीजन पे तो मैं ट्रू पर्सन हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल फ्रीडम की फेवर में हूँ, यानी कि उसमें तमाम चीज़ें ही काउंट हो जाती हैं, रिलीजन से बाहर चला गया, रिस्ट्रिक्शन से बाहर, यानी जो उसका मन कहता है उसने वो करना है, और उसको अपने मन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो ब्यूटी को बेस बना रहा है, ठीक है, ब्यूटी की एनालाइजेशन को। तो इतनी बात करता है और चैप्टर 4 जो है वो वाइंड अप हो जाता है उसके दोस्त के कन्वर्सेशन के साथ। अब यानी कि चैप्टर 4 के एंड में तकरीबन उसने बता दिया कि उसने स्पिरिचुअल फ्रीडम गेन कर लिया, उसने अपना घर छोड़ दिया, रिलीजन छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी। अब चैप्टर 5 में सिर्फ ये दिखाया गया है कि उन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है जो उसकी डायरी के अंदर लिखी गई है। स्टीफन डायरी लिखता था, उसमें उसने बताया डेट्स भी मेंशन की हुई हैं कि अप्रैल फलां को मैंने मेंशन किया कि मैंने आखिरी मुलाकात अपने दोस्त से कब की थी, आखिरी मुलाकात मैंने उस लड़की से कब की थी जब मैं जिससे मैं मोहब्बत करता था, ठीक है। फिर एंड में
ये सारी चीजें, फिर वो कहता है कि मैं अपने रिलीजन को छोड़ दिया, सारी चीजें मैंने छोड़ दी, और एंड में मैं इस कोर्स को ही बल्कि पढ़ दूँ तो वो ज्यादा बेहतर है। ये हमें आया हुआ था इस दफा पेपर में, तो उन्होंने एंड में फिर वो ये आखिरी उसके वर्ड्स हैं, वो कहता है कि वेलकम ओ लाइफ, यानी ए जिंदगी मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। उसके लिए जिंदगी क्या क्या है कि उसको वो फ्रीडम उसने पा ली है। वो कहता है वेलकम ओ लाइफ, आई गो टू इनकाउंटर फॉर द मिलियंथ